हाथी कॉरिडोर परियोजना का उदयपुर और लखनपुर के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने की मांग की है। दरअसल लेमरू अभ्यारण के लिए उदयपुर विकासखंड के 30 गांव और लखनपुर विकासखंड के 9 गांव को सम्मिलित किया जाना है, लेकिन ग्रामीण अपने क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल नहीं करना चाहते। इस परियोजना के विरोध में कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी मिला था, लेकिन इस परियोजना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस के समर्थन के बाद बीजेपी भी ग्रामीणों के समर्थन में आ गई है। जिला अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी ने मांग की है कि लेमरू हाथी कॉरिडोर परियोजना से सरगुजा जिले के 39 ग्रामों को सूची से पृथक किया जाए। वहीं बीजेपी ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं की जाती तो बीजेपी ग्रामीणों के समर्थन में आंदोलन करने को बाध्य होगी। जी, ज्ञापन देने आए थे लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर, किस प्रकार का आयोजन है और क्या परिस्थितियां हैं वहां की जो बनेगी? जो लेमरू परियोजना अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू करने की बात कही है वन मंत्री ने, तो उसमें 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं हाथी प्रोजेक्ट के नाम से। तो हाथी तो वैसे भी विचरण कर रहे हैं और लोग निवासरत हैं। अब लोगों के मन में ये भय हो गया है कि हमें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा और उनका जो जंगल से उनका जीवन है वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो महुए से हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी हैं, हरा बहरा धौरा फूल, ये सब इतने उपज हैं, लघुवन उपज, उससे जुड़ा हुआ है। तो अब उनके मन में ये भय है कि कहीं हमको विस्थापित करेंगे तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब चूँकि विचरण वर्तमान में कर ही रहे हैं, हाथी चल ही रहे हैं, हाथी का आवागमन गमन बरकरार है और ये लेमरू प्रोजेक्ट में भी हाथी के मार्ग को ही वो कर रहे हैं, तो हमारे जो 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ कोई सघन वन भी नहीं है, तो इसको उस प्रोजेक्ट से पृथक किया जाए। कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सरकार के खिलाफ जाके बात की कि हम ग्रामीण के साथ हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कांग्रेस कहीं दोहरी राजनीति कर रही है? हाँ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यदि कैबिनेट से ये पारित हुआ और वहाँ माननीय मंत्री जी महोदय सिंहदेव साहब बैठे हुए थे तो वहाँ पर उनको विरोध करना चाहिए था या अपनी बात रखनी चाहिए थी और वहाँ पारित नहीं होने देना चाहिए था। अब यदि वो पारित हो गया है और फिर यहाँ पर आ करके उसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो या तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें और या फिर जनता को भ्रमित ना करें, दो में से एक ही बात तो होगा। सरकार में रहते धरना देने की स्थिति क्यों पड़ रही है? क्या वो कहते हैं कि ग्रामीणों के साथ हैं और धरना देने की स्थिति? अब ये तो इस बात को तो वही बताएंगे, ये तो विरोधाभासी बयान है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आप लोगों ने सर्वे किया, आपकी टीम गई गांव-गांव तक, क्या लगता है विस्थापन होगा, किस बात को लेकर ग्रामीण सबसे ज़्यादा आशंकित है? सबसे ज़्यादा आशंकित उनका यही है कि विस्थापन की बात है और उन पर अंकुश लगेगा भांति भांति का, ऐसा उनके मन में वो है। तो उसी बात को लेकर के हमारे कार्यकर्ता कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, जो हमारा उदयपुर का मंडल अध्यक्ष है, लखनपुर के मंडल अध्यक्ष है या उस क्षेत्र के विशेष जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो गांव वालों के बीच में गए और उन्होंने व्यापक रूप से असहमति जताई है। जैसा कि ग्राम सभा से पारित कराना है इनको, तो वो ग्राम सभा से पारित करने के पक्ष में नहीं है और हम आम जनता के साथ खड़े हैं। तो इस बार भाजपा और कांग्रेस साथ साथ ग्रामीणों के साथ की लड़ाई लड़ेगी क्या? मैं भाजपा कांग्रेस के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक दल के नाते, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनका एक सोच है, जो हमारी रीति नीति है, मैं उस दृष्टिकोण से हूँ। मैं कांग्रेस की तरफ ध्यान नहीं देकर बात कर रहा हूँ, मैं अपने विचार परिवार के हिसाब से, मैं आम जनता के हक के लिए हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा का अभी एक प्रतिनिधिमंडल आया था, इनके द्वारा ये मांग किया गया है और लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें इन्होंने अपनी ये मांग रखी है कि जो सरगुजा ज़िले के 39 ग्राम हैं जो लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किए जा रहे हैं, उनको उस प्रोजेक्ट के बाहर रखा जाए। और इनका ये कहना है कि गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा है, वो इस पक्ष में नहीं है, अतः जब तक ग्राम सभा इसको नहीं चाहती है तब तक इन गाँव को इसके बाहर रखा जाए। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट ये है बेसिकली, इस क्षेत्र में जो हाथी प्रभावित जितने गांव हैं, जो नेचुरल हैबिटेट है या एलिफेंट कॉरिडोर हैं, उनको उसी रूप में एलिफेंट कॉरिडोर के प्लान के रूप में डेवलप करना है, जिसमें हाथी के साथ साथ जो मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो भी समाप्त होगा और लोगों के हित की भी रक्षा होगी, जो हमारे वन और वन्य प्राणी संसाधन हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे।
इसका सर और शासन को किस तरह का दिक्कत होगा आप लोग काम करने को, अगर वहाँ पर कोई विकास कार्य करने हैं तो स्कूल कॉलेज? यदि एलिफेंट कॉरिडोर हो जाता है तो फिर उसमें जो वन प्रबंधन और जो वन संसाधन होंगे उनको सुरक्षित रखते हुए और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से ही बाकी कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उसी हिसाब से होंगे, ताकि वन का और वनवासियों का और वन प्राणियों का हित न हो।